सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद कनी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ क्या कहते हैं, अपने फ्रेंड से मिलने, और हम कहीं आउटिंग शाउटिंग करेंगे, चंपा गली शहर जाएंगे और कहीं अच्छी जगह लंच करेंगे। चलते हैं, बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, कम से कम एक साल बाद। चलते हैं और एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं हूँ रास्ते में और जा रही हूँ सोशल स्ट्रीट। ये है चंपा गली में, तो चंपा गली को प्लीज़ आप चेकआउट कीजिए। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, टाइनी मैनी से ज़बरदस्त कैफ़ेज़ हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ़न फील होता है। और देख सकते हैं, ये सोशल स्ट्रीट है, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन है यहाँ की। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं यहाँ कहीं बार आई हुई हूँ। आप देख सकते हैं, ये मैंने फ्राइज़ और ये मोहितो मंगवाए थे, और ये मैंने मंगवाए हैं अपना पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आई हूँ यहाँ चंपा गली के कैफे में। चलते हैं अब हम बाहर। स्टे ट्यून। आप देख सकते हैं, अब हम चल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, मालवीय नगर पहुँच गए हैं। मालवीय नगर की मार्केट में हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कुछ क्लोथिंग आइटम्स देखी थी मैंने वहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। फिर थोड़ा सा पाइनएप्पल, देन हम गए थे तंकुश। ये मेरी फेवरेट जगह है, ज़्यादातर रात शाम के टाइम आउटिंग के लिए अच्छी है। तो हमने वहाँ, मैंने वहाँ चाय वाय पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, यू नो विंटर्स का टाइम है तो चाय तो बनती है। आप देख सकते हैं, चाय वाय पी थी हम लोगों ने। बस थोड़ा टाइम पास, थोड़ा फन, थोड़ा इन्जॉय, कैसे पराठा। गाइज, अब हम चल रहे हैं घर, और घर जाके मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। अगर आपको ये व्लॉग और मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी लाइफ को देखने में आपको अच्छा लगता है कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और देख सकते हैं, मेरा आज का आउटफिट वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी बहन मेरे मस्ती मजाक कर रही है, मेरा भाई अपने गिफ्ट्स वगैरह दिखा रहा है। अब आप देख सकते हैं, ये चल रही हैं बर्थडे प्रिपरेशंस, जो आ गए गिफ्ट्स बहुत सारी। ये मेरे भाई का बर्थडे आने वाला है, आप देख सकते हैं कितने सारे गिफ्ट्स ले आए हैं। ये जूतों का बहुत लालची है, और इसका तो इतना लालची था हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। शौक है। गाइज, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, मैं आ गई हूँ घर पर। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और जिसको चंपा गली जाना है वो ज़रूर जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वहाँ पे सब कुछ, सारे कैफ़ेज़ खुले हैं। मैं सोचा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सुबह एक या दो बार ही बात कर पाई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिला। बहुत टाइम बाद मैं मिली थी अपने फ्रेंड से, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद यू नो आप लोगों से भी बात कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, मेरा मेकअप सब, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशन नहीं यूज़ करी थी, मैंने फिट मी की फाउंडेशन यूज़ करी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मास्क के कारण बहुत ट्रांसफ़र हो जाती है मास्क में, तो लाइट ही चीज़ें लगानी चाहिए, बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि मास्क हर टाइम ही आपके फेस पे होता है। और मेरे स्पॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी बहुत कम होते हैं। और अब सर्दियाँ हैं, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी मेरी स्किन, कम पिंपल्स हुआ करेंगे। ज़्यादातर ब्रेकआउट्स होते हैं जब, जैसे मेकअप या ब्रशेस, ये जो मेरे ब्रशेस पड़े हैं, ये कि जब मैं साफ़ नहीं करती और गंदे यूज़ करती रहती हूँ, तो ये गलती आप भी मत किया करो। ब्रशेस हमेशा साफ़ किया करो,
अराउंड 1 month में एक बार तो आपको साफ़ करने चाहिए, अगर आप रेगुलर या हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर रहे हो इन ब्रशेस को तो। अब मैंने इनको यूज़ करा है और मैं रोज़ सोचती हूँ कि मुझे ब्रशेस साफ़ कर लेने चाहिए पर मैं नहीं कर पाती हूँ। सो मैं सोचा मैं आपको आपसे कुछ थोड़ी सी बातें शातें मार लेती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती थी, ये है डर्मडॉक का सिरम, एंटी एक्ने फेस सिरम। इसका मैं बहुत जल्दी रिव्यू करने वाली हूँ, एक इसका और एक चीज़, हाँ और एक है मेरे हेयर मास्क का, वो मामा अर्थ का हेयर मास्क है। और इन दोनों का रिव्यू मैं दोनों का साथ में करूँगी और बताऊँगी आपको कैसे इसको अप्लाई करना है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। सो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको बोला था मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक चीज़ दिखाऊंगी कि मुझे भैया दूज पे क्या क्या मिला। वो उसकी मैंने वीडियो अलग से नहीं बनाई, इसी वीडियो में मैं इंक्लूड कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या मतलब मुझे गिफ्ट मिला। सो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, डिनर तो मैं करके आई हूँ और मैं अब आपको ये दिखाने जा रही थी कि मैंने, मुझे भैया दूज पे क्या क्या मिला मेरे ब्रदर से। पहले मैं दिखाऊंगी मेरे ब्रदर से क्या मिला और जो मेरा मुंह बोला भाई जिसको मैंने बना रखा है, जो मेरी भैया दूज की वीडियो में भी था, और उसने मुझे क्या क्या लेके दिया। सो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। उसने मुझे मिनीसू का कुछ सामान लेके दिया था, उसने कहा था जो लेना है ले ले, तो मैंने 2-4 चीज़ें लीं जो 40% ऑफ पे ली थी मैंने। सो लेट मी शो यू, ठीक है। सो चलिए फिर मैं आपको दिखा। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आपको पहले मिनीसू का बैग दिखाती हूँ। दिस इज़ माई मिनीसू का बैग। ये मुझको मेरे मुँह यतिन ने, मतलब मेरा एक ब्रदर है यतिन, जो मेरा मुँह बोला भाई है, उसने मुझको लेके दिया। उसने बोला जो भी मिनीसू से लेना ले ले। मिनीसू से पहले मेरे ब्रदर ने, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। इसका आई थिंक अमेज़ोन का जो बॉक्स वो मेरे पास नहीं है, मैंने आई थिंक वो फेंक दिया। सो वो बॉक्स मैंने फेंक दिया था और ये आई थिंक भैया दूज से एक दिन पहले आया था। ये मेकअप बॉक्स है, ये देखिए, इस ये मेकअप वैनिटी कह सकते हैं, इसको बॉक्स कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो ये लिटिल टाइनी मिनी सा है और ये बहुत ज़्यादा लग्जीरियस नज़र आता है। आप देखिए इसकी चेन्स देखिए कितना अच्छा, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। सो ये ऐसे है और ये दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत टाइनी माइनी सा, आप ट्रैवल फ्रेंडली कर सकते हैं और इसको एज अ बैग भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम इसको ऐसे खोलेंगे और ये देखिए, सो ब्यूटिफुल। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आता है, देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर, ये मिरर भी है, बहुत सुंदर मिरर है। पता नहीं मैंने आपको, आप अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो आपने ज़रूर देखा होगा, मैंने इसकी वीडियो डाली थी, ठीक है, अनबॉक्सिंग की। सो आप ये देख सकते हो, ये बहुत प्रिटी है और इसको आप एज अ बैग भी यूज़ कर सकते हो। बहुत बड़ा साइज़ नहीं है इसलिए आप एज अ बैग, और मुझ आप ये देख सकते हैं ये मिनीसू का बैग है। तो मिनीसू से मैं लेके आई हूँ ये कॉटन पैड्स, मार्वल के हैं। वहाँ पे जो मार्वल की रेंज थी उसमें 50% ऑफ, हाँ 50% ऑफ चल रहा था, फ्लैट 50% ऑफ। सो ये मुझको पड़ा था, ये देखें, ये 200 का है, आप देख सकते हैं, ये मुझे पड़ा था सिर्फ 100 का। तो 50% ऑफ हो जाएगा अगर 200 में से, तो ये मुझे 100 रुपये का पड़ा। ये देख सकते हैं आप, ये मार्वल की फ्लिप फ्लॉप है, ये स्पाइडरमैन का है प्रिंट, इस पे पीछे से ब्लैक है, ये स्ट्राइप ब्लैक कलर की है। ये आपको, ये मार्वल की ही थी तो ये आपको 460 की ही पड़ेगी और ये फ्लैट 50% ऑफ में मुझे ये 230 की पड़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छी डील लगी। सो मैंने इसको ले लिया। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और क्यूट चीज़ दिखाती हूँ, वो है ये मुझे बहुत पसंद आया, इट्स सो क्यूट, एक्चुअली इट्स सो क्यूट। ये इसमें आप अपने चेंज या कुछ भी पैसे वैसे रख सकते हो। छोटा सा है ये बैग, देख सकते हैं, एकदम फ्लफी सा है, गुदगुदा सा, सो आई रियली लाइक इट। सो ये था 150 का,
ये 250 का था, देख सकते हैं आप, ये मुझे मिला 125 का. सो दिस इज नेक्स्ट, मैं आपको दिखाती हूँ. मैं लाई थी ये विटामिन फेशियल मास्क, मास्क्यू फेशियल विटामिन. सो ये देखें, ये ग्लो के लिए मास्क है, इसके अंदर बहुत सारा सिरम भी है और ये 60 रुपीज़ का है, ये 60 का ही था. सो मुझे लगा एक ये भी ले लेना चाहिए. सो मिनी सू के आप ये मास्क, शीट मास्क ज़रूर ट्राई कीजिए, वहाँ पे शीट मास्क ही होते हैं इसके और बहुत अच्छे अच्छे होते हैं. आप लिपस्टिक्स भी ट्राई कर सकते हैं. मेरी फ्रेंड ने लिपस्टिक ली थी, आई थिंक 170-180 की लिपस्टिक थी वो, और वो बहुत अच्छी फिनिश की है, वो खुद कह रही बहुत अच्छी है. नेक्स्ट टाइम मैं एक दो और लेके आऊँगी तो उस टाइम मैं भी ले लूँगी उसके साथ. सो बहुत अच्छी लिपस्टिक है. और एक वेलवेटी लिक्विड लिपस्टिक है, वो आई थिंक 200-250 समथिंग की है, वो भी बहुत अच्छी है. इस बार मेकअप में रेंज अच्छी आई है मिनी सू पे, अगर आपको लेनी हो तो आप ले सकते हो. नेक्स्ट मैं आपको दिखा वाली, मतलब कि मैं अपने सिर्फ फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, मेरे जितने भी 2-3 फ्रेंड्स हैं मैं उन्हीं को दिवाली देती हूँ. सो एक ये मेरे फ्रेंड ने मुझे सेलिब्रेशन का दिया, ठीक है. इस वैसे मैं ये सारा खा चुकी हूँ ऑलरेडी, सो लेट आ रही है वीडियो. और एक फ्रेंड ने मुझे ये दिया था रियल का, आप देख सकते हैं ये रियल सेलिब्रेशन का जूस है. दिवाली में मुझे ये सब गिफ्ट्स मिले, सो मैं आपको दिखा रही हूँ. और एक मुझे ये सेंटेड परफ्यूम है, ड्रीम लाइन लॉन्च. इसमें है सेट ऑफ 4 सेंटेड दिया कैंडल्स सैंडलवुड की, तो इसके अंदर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है सैंडलवुड की. फ्रेंड ने मुझको ये भी दिया था, आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसका कलर बहुत अच्छा है. एक्चुअली मुजड़ा ऐसे मैंने रख दिया था, सो थोड़ा सा ये अनप्रेस्ड लग रहा है, पर ये बहुत सुंदर स्वेटर है. एक ये भी गिफ्ट मिला था. और मेरी फ्रेंड ने मुझे कप भी गिफ्ट किए थे, कलरफुल लाइंस वाले कप, बोरोसिल के थे. और मुझे एक मिला था हल्दीराम के गोल गप्पे, वो भी मैं आपको मेंशन अभी भी. सो आप देख सकते हैं, दिवाली के लिए करवाए थे, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू. सो यही बस दिवाली की छोटी मोटी गिफ्ट्स का चलता रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं. और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा. सो चलिए अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.